रमो अर्हंतारम रमो सिद्धारम रमो आर्यारम रमो अध्यायारम रमो लोई सवसाहुं ओंकार स्वरूपाय नमः चिन्मुखोद्भूत सरस्वती देव्यो नमः रत्नत्रय धारक आत्मस्वभाव साधक अज्ञान तम निवारक श्री गुरुवे नमः परम गुरुवे नमः परम पराचार्य श्री गुरुवे नमः मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम एस सुरासुर मणसिंद वंदितम दोदघायक मलम अनुमान बढ़मानम तीर्थम धर्म से कर्तार रत्नों की वर्षा हो रही है। रत्न है मतलब क्या है? क्या रत्न है? मैं मनुष्य नहीं हूं, ये ज्ञान रत्न है। मैं आत्मा हूं, ये रत्न जैसी बात है। मोक्ष अधिकार में समय सारिणी में ज्ञान की सर्वोत्कृष्टता का वचन ही मंगल वचन है। विश्व में ज्ञान सर्वोत्कृष्ट तत्व है। ज्ञान मय आत्मा सर्वोत्कृष्ट है। क्यों? आत्मा के आश्रय से ही सर्वोत्कृष्ट पद की प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति होती है। रत्न अर्थात उत्कृष्ट। रत्न का अर्थ क्या है? उत्कृष्ट। और रत्न का प्रयोग आपने पढ़ा होगा, अकेला वो हीरा पन्ना पाणिक उनमें नहीं। रत्न का प्रयोग कहाँ होता है? नर रत्न, समाज रत्न, पुराणों में पढ़े होंगे असुर रत्न, स्त्री रत्न। रत्न का मतलब उत्कृष्ट। व्यवहार न ऐसे देखें तो देव शास्त्र गुर रतन शोभ रत्न कहा है। देवों में वीतरागी देव, गुरुओं में निर्गंत गुरु, धर्म में अहिंसामयी धर्म, शास्त्रों में एक आकार थोड़ी चाहे कोई बांध करके रख देगा, एक बड़ी सी पोथी बना करके बांध करके रख दो तो शास्त्र थोड़े ही होते। त्यागवादमयी अनेकांत स्वरूप को दर्शाने वाली वीतरागता का पोषक इस उत्कृष्ट था। इनकी श्रद्धा से, इनकी भक्ति से, इनकी अनुसरण से हमारा जीवन उत्कृष्ट बनेगा। जब तक आप ये समझते रहेंगे मैं मनुष्य हूं, ये त्रियंच है, ये देव है, ये नारकी है, आपका जीवन नीचे जाएगा। पर्याय दृष्टि, मनुष्य नहीं, त्रियंच नहीं, नारकी नहीं, देव नहीं। क्यों नहीं? कि नहीं है ना, आत्मा आत्मा है। लेकिन फिर भी हेतु से समझाया, सिद्ध किया उसे। नारकी कौन होता है? भववारम परिग्रह से नारकी। जब भववारम परिग्रह का ही अभाव है तो नारकी कैसे होगा? जैसे आप पढ़ते हो, जहां देह अपनी नहीं। जब देह ही अपनी नहीं है तो पुत्रादिक अपने कैसे होंगे? आपकी जन्म तिथि कौन सी है? जन्म होगा उसकी तो जन्म तिथि होगी, नयोपजयी। अब बताओ जन्म तिथि कौन सी होगी? कौन सी तिथि मनाओगे? सोचो परमार्थ से, निश्चय से देखो तो जन्म तिथि है कहाँ? किसका जन्म? तन उपजत अपनी, ये तो भूल है, भूल है ये तो। तन उपजत, तन नसत, आत्मा न उपजत न नसत,
परमार्थ से देखो तो कहाँ का जन्म, किसका जन्म, और व्यवहार में से देखो तो जन्म है कहाँ। जिस दिन हमारी आत्मा समझ में आवे उस दिन जन्म समझना। आत्मा समझ में आवे उस दिन समझो कि आज जन्म हुआ है। चरणन योग पद्धति में संयमियों को द्विज कहा, दूसरा जन्म। एक जन्म तो वो माता के गर्भ से पिता के संबंध से वो शरीर का हुआ था, और ये गुरुओं के द्वारा, गुरुओं के उपदेश से, जहां आत्मा पहचाना मैं आत्मा हूं, दूसरा जन्म हो गया। और पहले जन्म की बातें दूसरे जन्म में रह पाती हैं? मान लो कि कहो ये पत्नी है पिछले जन्म की, तो क्या करोगे, करोगे क्या जी बता, पत्नी जैसा व्यवहार कर पाओगे? ये पिता है पूर्व जन्म का, तो पिता क्या करोगे, पूर्व जन्म के संबंध पूर्व जन्म के साथ गई, तो मतलब शरीर के साथ के जितने संबंध हैं वे सब के सब विसर्जित हो गए। रत्न है, उत्कृष्ट बात है। करता नहीं, कार्यता नहीं, अनुमंता नहीं, सहज चैतन्य स्वरूप आत्मा के विलास को ही भाता हूं, ये उत्कृष्ट बात है, उत्कृष्ट कार्य है, यही करने लायक है। क्या चर्चा चल रही है अपनी प्रवचन सारणी में? आचार्य कुंद कुंदेव कहते हैं, गाथा पढ़े के आगे चलें, बोलो भाई। निरपेक्ष त्याग के बिना आशय ही विपरीत है, अब शुद्धि क्या होगी? स्नान है ना, स्नान मूर्ता है ना, लोक मूर्ता में, तो एक हेतु दिया, जल से आत्मा को तो छूता नहीं आत्मा मूर्ति के, तो जल से आत्मा शुद्ध कैसे होगा? और जल से शरीर को शुद्ध मानना ये ऐसा है, मल का घड़ा कैसे शुद्ध होगा? ऊपर अमल मल भरो भीतर, तो फिर शरीर शुद्ध कैसे होगा ये बताओ, वो मलमय है। दस बार इस शरीर को पानी डाल करके शुद्ध करो, उसके बाद भी अगर तुम्हारे शरीर से स्पर्शित होगा तो पानी अशुद्ध होगा, शरीर थोड़ा ही शुद्ध होगा। मतलब शरीर जल से शुद्ध नहीं होगा तो शरीर कैसे शुद्ध होगा, कि शरीर शुद्ध ही नहीं होता। अब रही परिणाम की विशुद्धि, तो परिणाम की विशुद्धि शरीर से पाप की मलिनता अथवा मोह की मलिनता, कषायों की मलिनता है, उस मलिनता को ज्ञानाभ्यास के द्वारा, भेद ज्ञान के अभ्यास के द्वारा धोना, उससे तुम्हारी परिणति शुद्ध हुई। और देखो शरीर में तो आरोपण जाता है, जिनके परिणाम शुद्ध हैं उनके शरीर की भी अशुद्धि नहीं, शरीर भी शुद्ध ही कहा जाएगा। मुंडाज का देखो ना, बड़ी सुंदर गर्भ संग्रह टीका में चर्चा आई है, काम क्रोध आदि परिणामों से मलिन जीव स्नान करने के बाद भी मलिन ही है, शुद्ध नहीं। ब्रह्मचारी सदा सुखी, ब्रह्मचारी सदा सुखी, तो असुचि क्या होगा और शुचि क्या होगा? आश्रव अशुद्ध है, असुचि माने अपवित्र हैं, तो संबल पवित्र है, और आत्मा क्या, आत्मा नित्य पवित्र है, सहज पवित्र है। शरीर को अपना मानने वाले को कहां से पवित्रता आएगी, कैसे आएगी, सोचो। इस मोह को छोड़ो, अभी एक चर्चा चल रही थी ऐसी, तो हमने एक बात कही, भैया देखो कोई समस्या ऐसी नहीं है जिसका समाधान ज्ञान से न हो जाए, और अगर समाधान कारक ज्ञान जो नहीं है उसका नाम ज्ञान ही नहीं। जिससे समाधान न हो वह ज्ञान ही नहीं है,
उसे हम ज्ञान कहते नहीं। जैसे आचार्य देव ने कहा, जो आश्रमों से निवृत्त है उसे ही हम ज्ञान कहेंगे, जो आश्रमों से निवृत्त नहीं है तो अज्ञान से उसकी क्या विशेषता हुई, उसे हम ज्ञान कैसे कहें। तो ऐसे ही जो से समाधान ना हो जाए हमारा, वो ज्ञान कैसा। अब मान लो कोई आया और आकर के हमको गाली देने लगा, मारने लगा, ये करने लगा, कीचड़ उछालने लगा, है? अब ज्ञान समाधान करता है, वर्तमान साहब हमारी क्या गलती है। कोई बात नहीं, तुम्हारी गलती ये हम बताएं, तुम्हारी गलती नहीं होगी तो तुम्हें दुख भी नहीं होगा। गलती बताएं, देह को अपना मानते हो, ये गलती नहीं। मुझे गाली दी, ये गलती नहीं है। तुम्हें कहां गाली दी, तुम हो कौन। ज्ञान समाधान क्या कर रहा है, किसे गाली दी, किसने गाली दी, ये बताओ पहले। गाली है क्या, शब्दों का समूह, उसमें तो गाली वाली कुछ है नहीं, द्वेष का परिणाम वो अलग बात है। अब जिसे गाली दी है, जिसे देख करके गाली दी, वो तुम हो नहीं, और जिसने गाली दी वो वह नहीं है। बीच बीच के हैं अलग अलग, ठीक है ना। और दूसरी बात, उसने गाली दी है, अरे भाई वह तो निमित्त मात्र है, तुमने किसी को गाली दी होगी, आज उसका उदय आया है तो तुम्हें गाली सुनने को मिली है, कर्मोदय है बीच में कि नहीं, कर्मोदय है बीच में कि नहीं, जी बता। तो कर्म के उदय को क्या करें बता, बदला जाएगा, हटाया जाएगा, मिटाया जाएगा, क्या करा जाएगा। भैया कर्म के उदय को जानो, सहन करो समता से, क्षमता से सहन तब होगा जब भेद ज्ञान होगा। मेरे ही कर्म का उदय है, इसका कोई दोष नहीं। हमारी शास्त्र में धर्म ज्ञान के चार भेद कहे, कहे क्या, आज्ञा विचय और विपाक विचय। तो कर्म का उदय है ना, तो निदान हो गया। तो अब कर्म का उदय है तो कर्म की ओर देखो, कर्म के विपाक का विचार करके समता रखो, उस नो कर्म का दोष क्यों देखते हो। कर्म की निर्जरा का उपाय करो, कर्म की निर्जरा का विचार करो, कर्म की निर्जरा कैसे हो। अब उस अपने कर्म को तो देखे नहीं, अपने न तो स्वरूप को देखा, न अपने परिणाम को देखा, न अपने कर्मोदय को देखा, अब बस बाहर दृष्टि के बाहर बाहर को देख करके उलझ जाता है। क्या करें बताओ, अपना लड़का अपनी बात नहीं मानता। अरे अपना होता तो मानता, तो अभी आश्चर्य है, बात नहीं मानता तो अभी तुम अपना ही माने रहे। अपना लड़का अपनी बात नहीं मान, अरे तो अपना होता तब तो अपनी मानता। भैया वो अपना है कहाँ, तुमने माने ही तो लिया है। अपना लड़का अपनी बात नहीं मानता तो हम आपसे कहते हैं, जो आपकी बात मानता उसे ही अपना मान ले। विद्यालयों में, छात्रावासों में बच्चे पढ़ रहे हैं ना, उन्हें अपना मान ले, जो कुछ देना है, जो कुछ करना उनके लिए करो ना, तो मोह में वही करेगा सब। अरे मान, लड़का बात नहीं मानता ये दुख का कारण नहीं है, हम बात नहीं मानते भगवान की, ये दुख का कारण है। लड़का अपनी नहीं मानता ना, और हम भगवान की नहीं मान रहे, भगवान कहते किसका लड़का ये बताओ, और कौन किसके परिणमाने से, कौन किसका करता है, किसका परिणमा, स्वच्छंद होने की बात नहीं है। स्थूल रूप से देखें, चरणानुयोग से, जब संस्कार देना था तब तुमने संस्कार नहीं दिए, अब कहते हो बात नहीं मानता। पेड़ की जब टहनी ऐसी हुई तब तो तुमने ध्यान नहीं दिया, अब कह इतनी मोटी हो गई, अब कह रहे हो टूटेगी और कुछ नहीं होगा। अब कुछ नहीं हो सकता क्या, हो सकता है, उसका मोह छोड़ करके अभी सुखी हो सकते हैं, और मोह करके कभी सुखी नहीं हो पाओगे। मनवाने का आग्रह छोड़ दो, उसके परिणमन का विचार करके समता रखो,
उसका परिणमन हमारे दुख का कारण नहीं, हमारा विपरीत परिणमन हमारे दुख का कारण है। विपरीत परिणमन क्या है? उसे हम अपना मानते हैं, अपने अनुसार परिणमाना चाहते हैं। हमारी क्या गलती? की गलती नहीं है, गलती नहीं है। बोलो साहब, वो प्रशस्त राग है, हम तो तुम्हारे भले के लिए कह रहे। ठीक है, भले के लिए कह रहे तो भली तरह कहो। क्या कह रहे? भले के लिए कह रहे तो भली तरह कहो। क्रोध से क्यों कह रहे हो? कसाय से क्यों कह रहे हो? अभिमान से क्यों कह रहे हो? कर्तत्व के हम बदल देंगे ये मान्यता रख करके क्यों कह रहे हो? यदि कुछ विकल्प आए तो अभी संबोधन बिल्कुल थोड़ा कह करके छोड़ दो। बेटे देख लो, समझ लो, ये तुम्हारा संग, बाद बाकी उसको सोचने दो। ज्यादा कोशिश करने से ज्यादा काम नहीं हो यार। कल क्या कहा था? कल कहा था, परसों कहा था, बोलो। विकल्पों से कार्य जल्दी करने की प्रयास करना ये ऐसा है चलती गाड़ी में दौड़ने लगे कि कुछ गाड़ी चलेगी कुछ हम चलेंगे, ये बिल्कुल विपरीत बात है। कार्य अपने हिसाब से होगा। द्रव्य परिणमत अपनी गो से तू क्यों रहते? उपायन में तो को सुख नहीं होगा, लोभीड़ा क्यों भूला रे पर भावन में। अपनी परिणमित, अपनी अनुसार परिणमित हो रहे। दूसरी बात, जैसे हम करता नहीं है ऐसे आप भी करता नहीं। शांत नहीं बैठ सकते? उस छोटे से बच्चे से कहो शांत नहीं बैठ सकते। अच्छा, बच्चे में और तुम में अंतर क्या? तुम शांत नहीं रह सकते। बच्चे का स्वरूप ही है वो शांत ना बैठे। जब तक ना समझी है तब तक शांत नहीं हो सकता। जब समझदार होगा तब शांत हो पाएगा। चुप नहीं रह सकते। कसाय जब तक तीव्र है तब तक चुप नहीं रह सकते। जब कसाय शांत होगी तब आप चुप रह पाओगे। नहीं रह सकते। नहीं है क्यों? इतना भी काम नहीं कर सकते तुम? नहीं कर सकते। ना होते हुए कार्य को कोई नहीं कर सकता, तुम ही करके बता। ज्ञान समाधान करता है। पंडित टोटोमल जी कहते हैं, जैसे किसी कोड़ी को अमृत पान कराए और वह न करे क्या होगा बताओ? अपना क्या स्वार्थ है? अरे भाई, उसकी होनार का विचार करके क्षमता रखो और कोई उपाय नहीं। वो भी कर्म का प्रेरा है, तुम भी कर्म के प्रेरे हो हैं। अब तुम धर्म के प्रेरे बनो। कर्म का प्रेरा है, दोष बना है तो कर्म जनित है, उसके भी दोष को कर्म जनित जानो। घृणा मत करो, क्षोभ मत करो, दुखी मत हो, नहीं तो और पाप बांधोगे और कुछ नहीं मतलब। बार बार वही गलती करता, मानता नहीं है। भैया कर्म के ऐसे ही होते हैं। तुम रोज रोज सुनते हो, कितनी बार सुनते हो और तो अभी बार बार देखो अपना मानते सो, अपने को कर्ता मानते हो तो विचार करो। यही तो अज्ञान का स्वरूप है, यही तो संसार का स्वरूप है। आपसे कितनी बार कहा, संसार में जितने दुख लिखे हैं उससे बहुत ज्यादा दुख है। क्योंकि लिखने में कहने में कितना आ रही, जो जानते हैं वो कहने में नहीं आता, और कहने में आता उतना लिखने में नहीं आ पाएगा। बहुत दुख है, उससे ज्यादा भी दुख। कहे तो दुख जिसके ऊपर बीतते हैं वह जाने अथवा केवली जाने, बाजमा की तुम्हें कौन पता है कितने दुख है। संसार में बहुत दुख है, क्या करें, बहुत दुख है, बहुत दुख। अरे आत्मा में दुख है, क्यों परेशान हो? ज्ञान से समाधान मिलेगा ही मिलेगा। ज्ञान बिना कोई समाधान करने वाला है ही नहीं। समाधान का मतलब क्या है? अपने परिणाम में समता आ जाना।
भैया जितने कार्य करो सावधानी से करना। सावधानी का मतलब ये होता है पानी कम खर्च करो, हवा कम खर्च करो, उठाओ धरो, फैले नहीं, बिगड़े नहीं। अरे वो तो सावधानी बाहर की है। सावधानी से करो माने उसमें कर्तृत्व ना आ जाए, हम कर रहे हैं। कार्य के करने में कर्तृत्व ना आ जाए, हम कर रहे हैं। सहज होते हुए परिणमन में तुम्हारे विकल्पों के लिए अवकाश ही कहां है बता। विकल्प है कर्म केवल, हम तुम केवल विकल्प कर रहे हो। सो भी तुम्हारा स्वभाव नहीं है। सोता रहे सावधानतया सुनो अंतु, क्या अर्थ है? एक तो बाहर में उपयोग मत भ्रमा, वो तो स्थूल अर्थ है, लेकिन सावधानी सुनो माने सुनो। सुनते सुनते ज्ञानी नहीं हो पाएंगे कभी भी। शास्त्र में क्या कहा? रे शास्त्र है नहीं ज्ञान, क्योंकि शास्त्र को जाने नहीं। आत्मा स्वयं ज्ञान स्वरूप है। आत्मा को ज्ञान करके कैसे? शास्त्र से नहीं, आत्मा को आत्मा से जान करके ज्ञानी हुए हैं अनेको अनंतो। आत्मा को जाने बिना आज तक कोई ज्ञानी नहीं हुआ। इसलिए बहुत सुनूं, बहुत सुनूं, बहुत पढ़ूं, बहुत पढ़ूं, इसमें मत रहना। जो सुना है, पढ़ा है, सुनते हैं, पढ़ते हैं, बस उसे सार्थक करो। कुन कुन स्वामी क्या आदेश दे रहे हैं? उपदेश कहो, आदेश कहो, दर्शाऊं तो वो वहां रखी है उस अलमारी में, खोल के देखो ना जा करके। आत्मा ज्ञानमय है, आत्मसन्मुख होकर के देखो। दर्शाऊं तो करना प्रमाण। हाँ हाँ वैसे ही मत करें, ठीक है आप कह रहे तो रखी होगी, होगी देख लेंगे। हाँ हाँ जिसका अभिप्राय खोटा है, श्रद्धा विपरीत है, उसके परिणाम थोड़े से मंद कसाय रूप भी हो तो कोई सुधर नहीं गई। कोई दृष्टांत आपको आता है? आता होगा। पतंग, पतंग आकाश में उड़ रही, तुम लोगों ने तो उड़ाई होगी, हमने नहीं उड़ाई तो नहीं उड़ाई। सोचो पतंग डोर हाथ में है ना, थोड़ी ढीली हुई, थोड़ी फिर ऊंची हुई, ढीली हुई फिर ऊंची हुई, कुछ नहीं है इसमें। अगर यहां से छूटे तो फिर कहां गई पता नहीं। थोड़े से परिणाम निमित्त के हिसाब से थोड़े से यहां बैठ गए, थोड़ी मंद कथा हो गई, वहां तीव्र कथा हो गई, वहां ठंडी हो गई। ये तो पानी वर्षा सो तो मिट्टी गीली है और धूप पड़ी तो फिर कड़ी हो गई, इसमें दम नहीं है। परिणामों की निर्मलता का मतलब परिणामों की पहले सम्यकता आना चाहिए। बिना सम्यक परिणाम के तुम ये मत सोचो हमारे परिणाम तो ठीक है, हमारे परिणाम तो ठीक है, कुछ ठीक नहीं है। क्रोध के प्रसंग में क्रोध न हो तब क्षमा कहेंगे, है व्यवहारिक क्षमा। स्थूल क्षमा भी क्रोध के प्रसंग में क्रोध न हो, मान के प्रसंग में मान न हो, माया के प्रसंग में माया न हो, लोभ के प्रसंग में लोभ न हो, तब तो ये चरणानुयोग की पद्धति का व्यवहार और क्षमा मार्ग व्यवहार जब होंगे उत्तम। नहीं उत्तम तो जब स्वभाव के आश्रय थे। उत्तमार्थ आत्मा है, नियम साहब जी उत्तमार्थ क्या कहा? उत्तमार्थ आत्मा है। अर्थ तो समस्त क्षेत्र द्रव्य हैं, गुण हैं, पर्याय हैं, विषव अर्थ हैं, लेकिन उत्तमार्थ आत्मा है। आत्मा के आश्रय से होगा तब वो उत्तम क्षमा हो। कैसे? अपने को आत्मा देखो, वह भी आत्मा दिखे, अब आपको क्रोध उत्पन्न नहीं होगा। लेकिन अपने को भी शरीर देख रहे और दूसरे को भी शरीर देख रहे और वो अनुकूल प्रतिकूल कर्मोदय जनित अवस्थाओं को देख रहे, अब क्रोध तो होगा ही, दुख तो होगा ही, क्या करें, बहुत दुख होता है, क्या करें, देखा नहीं जाता।
तुम्हें देखना ही नहीं आता आत्मा की आश्रय से, देखो केवली भगवान कैसे देख रहे, देखो अपने को देखने के बाद देखो। लेकिन अपने को मिलाकर के उसमें देखते हो, मोह छोड़ो, अनादिकाल का मोह छोड़ो, कौन का परिवार, कौन का बेटा, कौन की बेटी, कौन का व्यापार, कौन, अरे सोचो तुम हो कौन, पहले स्थापना कर लो। आचार्य अमृतचंद स्वामी इस गाथा की टीका करते हुए क्या कह रहे हैं, जैसे खिलके के सद्भाव में अंतर की अशुद्धि कैसे मिटे, ऐसे ही खिलके के सद्भाव में अंतर की अशुद्धि नहीं मिलती, इसी प्रकार बाह्य त्याग के बिना भी अंतरंग का त्याग नहीं होता। अंतरंग का त्याग होता है तो बहिरंग का त्याग सहज है, लेकिन बाह्य त्याग न हो, मुख्य रूप से यहां परिग्रह की चर्चा है, बाह्य परिग्रह को ग्रहण करे और अंतरंग में कहे ममत्व तो नहीं है, झूठी बात, बिना ममत्व के ग्रहण कर रहा है। टोडरमल जी ने इस विषय को निश्चयवास के प्रसंग में दूसरी जगह प्रश्न उठाया, हमारे परिणाम तो अशुद्ध हैं, बाह्य त्याग नहीं किया तो नहीं किया, हमारे परिणाम तो अशुद्ध है, परिणाम ठीक रहना चाहिए, दूध शुद्ध रहना चाहिए, चाहे वो नहाने के डिब्बे में रख दो, कहे दूध तो साफ बिल्कुल शुद्ध है, अरे दूध भी शुद्ध होना चाहिए और उसका सोचो, हमारे परिणाम शुद्ध हैं, तुम्हारी शुद्ध की परिभाषा क्या है, कैसे मान लिया तुमने शुद्ध है, बताओ, शुद्ध परिणाम जानते हो कि हमारे परिणाम तो शुद्ध हैं, थोड़ी सी जरा घर गृहस्थी में कथा वसा मंद होती है, अपने जो मिल गया खा पी गया व्यापार में जो चलो चलता है कोई बात नहीं, उसका नाम शुद्ध मान लिया तुमने, हमारे परिणाम तो शुद्ध, जानते हो शुद्ध किसका नाम, मैं आत्मा हूं, ये परिणाम शुद्ध है, जो शुद्ध जाने आत्म को वह शुद्ध आत्मा ही प्राप्त हो, मैं आत्मा हूं ऐसी श्रद्धा का नाम शुद्ध परिणाम है, ऐसे अनुभवन का नाम शुद्ध ज्ञान है, शुद्ध परिणाम है, और ऐसी ही अंतरंग में एकाग्रता का नाम, लीनता का नाम, भावना का नाम, फिरता का नाम शुद्ध चारित्र है। आत्मा को जाने बिना परिणाम शुद्ध हो गए, हमारे परिणाम तो शुद्ध है, तो तुम हो कौन ये बताओ, पहले दो तीन दिन चलाया था ये भैया, मैं तो त्यागी हूं, भैया तुम त्यागी हो, तुम्हारे परिणाम नहीं शुद्ध हो पाएंगे, तुम आत्मा हो तब तुम्हारी परिणाम शुद्ध हो पाए, हमने हजारों शास्त्र पढ़े कुछ नहीं पढ़ा, शास्त्र पाठी भी मूल है जो निज तत्व अजान, वो लौकिक दृष्टांत में आया ना, पढ़ पढ़ा करके आ गए, स्त्री कहती क्यों ये भी पढ़े हो, पाप का बाप कौन थे यार, ऐसे ही तुमने हजारों शास्त्र पढ़े हैं लेकिन तुम ये भी जान रहे हो कि मैं कौन हूं, जानो ये इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नहीं है, ये हमारा स्वरूप नहीं है, शास्त्र पढ़ने का निषेध नहीं कर रहे इस भूमिका में, लेकिन शास्त्र पढ़ने को सार्थक करो, शास्त्र में क्या पढ़ा जी तो बताओ, प्रयोजन भूत को पढ़ो, भैया मैं कौन हूं ये पढ़ो शास्त्र, जब निज वैभव प्रकट करने की बात आएगी तो पहले आगम के अभ्यास से और निर्मल विज्ञान घन स्वभाव में निमग्न गुरुजन उनके द्वारा अनुग्रह पूर्वक दिया गया शुद्धात्मा का उपदेश उसके श्रवण से जिनवाणी को नित्य बोधनी कहा है और गुरुओं का उपदेश तो तत्काल बोधक है, तुरंत
तुरंत। अगर नहीं होता है आपको तो आपका दोष है, उनका दोष नहीं है, ध्यान रखना। तत्काल बोधक लिखा है, पहले तो गुरु को गुरु समझना कठिन है। हम कह देते भैया गुरु बनना भी कठिन है और गुरु बनाना भी कठिन है। बनाना माने समझना, फिर अपनी बुद्धि आगे नहीं चला पाओगे, अपनी बुद्धि नहीं चलेगी फिर। तो हल्के होना है तभी तो हम आपसे कहते, देखो ये तो धर्म शास्त्रों की मोक्ष मार्ग की बातें हैं। लौकिक में भी चाणक्य और चंद्रगुप्त जा रहे थे तो चाणक्य ने कहा बेटा छिप जा, वो पीछे सैनिक आ रहे, वहां तालाब में छिप जा कमल के नीचे। अब वे अपने कपड़े धोने लगे धोबी से लेकर के, उधर से वो आया सैनिक, क्यों वो दो आदमी जा रहे थे चंद्रगुप्त चाणक्य को, तुमने देखे हाँ एक तो वो छिपा है, एक तो वो छिपा है, तो पकड़ ली। अब हम बूढ़े आदमी कपड़ा धोए, तुम अपने पकड़ ली, बता दो जी कौन काम है तुम। तो उसने अपने कपड़े उतारे तालाब में घुस करके पकड़ने के लिए और घोड़ा बांध दिया हुई और तलवार रख दी, तभी तो घुस पाएगा। चाणक्य दाव में था, झट से उसका गर्दन अलग करी और उसे आवाज दिया बेटा भगया जल्दी, और घोड़े पे बैठ करके उसी की तरफ आगे चल दिए। ये कोई घटना है, कोई बात नहीं। अब हम कहना क्या जा रहे। चाणक्य ने फिर पूछा बेटा एक बात बताओ, जिस समय हमने ये कहा था वो छिपा है, उस समय तुम्हारे मन में क्या आया था, क्या शंका उत्पन्न हुई थी, क्या मन में कहने तो मरवा दो, मैं हमसे कभी छिप जाओ और इन्हें कभी बता दो ये है, बोलो क्या आया था। बोले इसमें हमारा कोई हित होगा, इसमें हमारा कोई हित होगा, कम से कम इतनी निशंकता तो आना चाहिए। गुरु को पहचानोगे तब वे गुरु कहेंगे सुनो इधर आओ मेरे पास दौड़े दौड़े मत आना, आत्मा का गुरु आत्मा ही है ये ध्यान रखना। सोचो आत्मा का गुरु आत्मा ही है, स्वयं ही कल्याण की वांछा करता है, स्वयं ही कल्याण को जानता है, स्वयं ही कल्याण का उपाय करता है, तो आत्मा का गुरु कौन हो गया, आत्मा ही हो गया। मैं आत्मा हूं गुरु महाराज ने तो कहा है, प्रमाण कौन करेगा, अगर प्रमाण नहीं किया तो फिर क्या मतलब निकलेगा, तो गुरु कौन हुआ, गुरु कौन हुआ बताओ। और स्वयं का शत्रु भी स्वयं ही है, क्यों अपने ही मिथ्या परिणामों से अपना दुख, अपने ही मिथ्या परिणामों से स्वयं ही मोह करके दुखी हो रहा है, कौन दुखी कर रहा है बताओ तुम। बाहरी हमारे परिणाम तो शुद्ध हैं, तुम कहां से बोल रहे हो हमारे परिणाम शुद्ध हैं। शरीर की ओर देखने वाला, संयोग की ओर देखने वाला, उदय की ओर देखने वाला परिणाम शुद्ध कैसे हो गए। अन्यगत परिणाम शुद्ध नहीं होते, अनन्यगत परिणाम प्रभुचंद सार जी में आया, अनन्यगत परिणाम समय कर्म क्षय हेतु, अनन्यगत परिणाम, अनन्य माने अनन्य ना अन्य, तो अनन्य माने स्वयं, अनन्यगत परिणाम। कल कहा था ना मार्ग कितना है, घर से घर तक की यात्रा है, बस अनन्यगत परिणाम यह समय पर कर्म के क्षय का हेतु होता है। परगत परिणाम, परसन्मुख परिणाम, वह तो दुख का कारण बनता है, शुभाशुभ कर्म को बांधेगा,
कहना सरल है। हमारे परिणाम तो शुद्ध है, शुद्ध हो रहे, जिसके परिणाम शुद्ध होंगे वो कहेगा हमारे परिणाम शुद्ध है। आपने एक दृष्टांत पढ़ा होगा, सुना होगा। एक बार एक गुरु शिष्य दोनों जा रहे थे, शाम का समय था, राजा का बाग था, सर्दी का समय, एक कमरे में बैठ गए गुरुजी महाराज, दूसरे कमरे में जा रहे। शिष्य पहुंचा, गुरुजी ने कहा सुनो बेटे, ध्यान तो कर रहे हो, बैठ रहे हो, जा रहे हो, लेकिन ध्यान रखना कुछ बनना नहीं, कोई बनना नहीं, बनोगे तो पिटोगे, बनोगे तो पिटोगे, ये ध्यान रखना, जाओ। जाकर के बैठ गया। अब थोड़ी देर बाद राजा का आगमन का समय हुआ, तो उसी पहले वो सर्च करेंगे, देखभाली करेंगे सब, तो वो उसके सैनिक दौड़े कमरे, दिखे भाई कौन है, मैं साधु हूं। वो शिष्य बोला मैं साधु हूं। कहां का साधु आदमी, चल निकलता है कि नहीं, निकलो यहां से, यहां कैसे बैठ गया। बेचारे को दो डंडे लगाए, बाहर आ गया, पेड़ के नीचे जाकर के बैठ गया। अब दूसरे कमरे में पहुंचा, भाई कौन है, बोलता है नहीं, कौन है भाई, लाइट लग जाए, देखो महाराज आपके कमरे में तो कोई साधु महाराज ध्यान कर रहे हैं। अरे भैया बोलो मत, ध्यान, अपना कमरा पवित्र हो गया, धन्य। अब सवेरे दोनों मिले गुरु शिष्य, बोले महाराज कैसे रहे, कुछ नहीं महाराज, उसने निकाल दिया हमको, हम तो ठंड में परेशान होते रहे। बोले तू बना होगा कि हम काय को बने, हम कुछ नहीं बने। उसने पूछा कौन है, हमने कह दिया साधु। भैया ये बताओ साधु को कहने की जरूरत क्या पड़ गई, हम साधु हैं, देख लो ना साधु है को है हम। साधु वो होता है जो अपने को आत्मा अनुभव होता है। साधु का अर्थ सज्जन भी होता है, लौकिक दृष्टांतों में साधु का अर्थ सज्जन होता है। साधुवाद नाटकों में आता तो वो साधु, निर्गुण साधुओं की चर्चा नहीं है, साधु माने सज्जन। विचारना हमारे परिणाम शुद्ध हैं, तो शुद्ध हैं तो तुम कहते कैसे हो हमारे परिणाम तो बहुत शुद्ध हैं, हमारे परिणाम तो बहुत शुद्ध हैं, काय को कह रहे हो, ये भी अहंकार से अशुद्धता से कह रहे हो। अब बाह्य त्याग नहीं किया तो नहीं किया, नहीं किया तो नहीं किया, ये क्या मतलब। टूटमल जी कहते जी बताओ, परिणामों का और बाह्य क्रियाओं का परस्पर निमित्त निमित्त संबंध है या नहीं। अताम्रम यच्चु कमल युगलम स्पंद रहितम जनान कोपापायम प्रकटयत बाया भयंकर। आपकी टिमकार रहित, लालिमा रहित जो मुद्रा है, नेत्र है, वह आपके अंतरंग क्रोधाधिक भावों के क्षय को बता रहे। साहित्य में भी पढ़ा होगा मुद्रा भावों का दर्पण है, वाणी भावों की सूचक है, वाचक सूचक है। अब ये बताओ अंतरंग के परिणाम के बिना शुद्ध है। अंतरंग के परिणाम अगर शुद्ध हैं तो मुद्रा जो शुद्ध होता है उसकी दृष्टि अपनी ओर होती है। देख लो शुद्ध की, देखो ये दशा शुद्ध की, जिनके परिणाम शुद्ध हैं उनको देखो, ऐसी दशा है तुम्हारी, शुद्ध तो हमारी ओर क्यों देख रहे हो। एक बार सही बात ऐसी चर्चा हुई, दो साधर्मी आ गए बैठ गए, बोले चर्चा करनी है, बोलो चर्चा, वैसे हमारी आदत कम है, बोलो क्या कह रहे। बोले साहब आत्मा को अनुभव कैसे हो, कोई बात नहीं आत्मा अनुभव स्वरूप है। बोले ये तो विकल्प है, हमने बंद किया, हमने लूटे। बोले आप तो नाराज हो गए, हमने नाराज क्या हो, जाके जब ये भी विकल्प है तो फिर आगे अब क्या कहें, मैं आत्मा हूं
जब ये तुम्हें विकल्प लगने लगा तो अनुभव हम बताएंगे तुम्हें। सोचो समझो, हमारे परिणाम शुद्ध, तुम्हारे कहने से शुद्ध हो गए, प्रमाण देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? लक्षण घटाओ शुद्ध का क्या है? प्रवचन सार जी में शुद्धोपयोग के लक्षण दिए ना, ऐसे आत्म विशुद्ध शुद्ध हो। अगर तुम्हारे परिणाम शुद्ध हैं तो शुद्ध किसे कहते हैं ये बताओ? पर द्रव्यों से भिन्न शुद्ध, पर भावों से भिन्न शुद्ध, यही तो है ना। तो अगर तुम्हारे परिणाम शुद्ध हैं तो तुम इधर क्यों देख रहे हो? जिसके परिणाम शुद्ध होते हैं उसकी नासाग्र दृष्टि है, देखो आप। अगर इस तरह की आसन लगा करके, इस प्रकार की दृष्टि लगा करके बैठ जाए तो शुद्ध हो नहीं भी हो, लेकिन जिसके परिणाम शुद्ध हैं उसको तो यही दशा होगी कि नहीं होगी? जितने भगवान मोक्ष गए वो इसी मुद्रा से गए कि दूसरी मुद्रा से गए? जैन शासन की विशेषता है, चाहे भूतकाल के देव हों, चाहे वर्तमान के देव हों, चाहे भविष्य के देव हों, चाहे भरत क्षेत्र के हों, चाहे राजकीय खंड के हों, चाहे विदेश क्षेत्र के हों, सबकी यही मुद्रा है, एक ही। अन्य मतों में जैसी मुद्राएं सबकी अलग अलग हैं, यहां तो नहीं है। चाहे पारसनाथ हो, चाहे महावीर स्वामी हो, चाहे आदिनाथ हो, चाहे शांतिनाथ हो, चाहे सीमंदर परमात्मा हो, आपको मालूम है मूर्ति बनी बनाई रखी है, हमें तो शांतिनाथ की चाहिए, ले वो ऐसा चिन्ह बना, हमें तो चंदा प्रभु की चाहिए, ले चंदा प्रभु की चिन्ह बना। बताओ आप, कोई मुद्रा में अंतर है क्यों भाई? मुद्रा में अंतर क्यों नहीं? परिणाम में अंतर नहीं है, अभिप्राय में अंतर नहीं है, स्वरूप में अंतर तो है ही नहीं। स्वरूप में अंतर तो आपके भी नहीं है, और यही प्लस पॉइंट है। उस स्वरूप में, जिस स्वरूप में अंतर नहीं है, उस स्वरूप की आराधना करके ये अंतर को मिटाया जाना संभव है। जो अंतर सिद्ध भगवान में और आप अपने में देख रहे हैं ना, वो स्वरूप में नहीं है, तो स्वरूप की आराधना करके इस अंतर को मिटाया जा सकता है, संभव है। अगर स्वरूप होता तो नहीं मिटाया जा सकता, लेकिन ये बताओ इतने देव कितने? तीन काल की चौबीसी के कितने हो गए? 72। और 30 24 कितने हो गए? और ये तो गिनती है, आप बता सकते हो पहले तीर्थंकर का नाम है? ताकत आपकी, पहले तीर्थंकर का नाम बता। ये तीर्थंकर परंपरा अनादि काल से चली आ रही है। ऋषभ देव तो वर्तमान के भरत क्षेत्र के पहले तीर्थंकर हैं। बता सकते हो पहला गुण कौन सा है सामान्य गुणों में के अस्तित्व? अरे सहभावी को गुण कहते हैं, क्रमभावी को नहीं भैया। ये तो पढ़ाने के दृष्टि से, पढ़ने की दृष्टि से क्रम कहा है, बाद बाकी बताओ। पहला गुण, पहला द्रव्य कौन सा है? जीव। अच्छा ठीक, तो जीव कहाँ था? कितना पहले है? छह ही द्रव्य अनादि निधन है। जीव था तो आकाश से तो हो गया कि नहीं? और जीव किसी अवस्था में होगा कि नहीं होगा? और जीव है तो जो गमन हो रहा है तो धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य परिणमन हो रहा है, काल द्रव्य वो परिणमन हो रहा है, शुद्ध अशुद्ध ये सब, संसार मोक्ष ये सब है कि नहीं है? बेकार की बातें हैं, कर्तत्व का अहंकार मिथ्या है। स्वयं होते हुए कार्य को अपनी इच्छा के प्रतिकूल होने पर ये जीव दुखी होता है, ऐसा नहीं हुआ,
ऐसा होना चाहिए। अरे ऐसा क्यों होना चाहिए, कर्म के उदय भी ऐसे हैं। हम ये पूछते, देखो रावण कितना समझदार और कितना शीलवान, कितना शीलवान। प्रसंग पढ़ा होगा, हमने तो बताया आपको, वह नलकूबर राजा की पटरानी उपरम्भा रावण को चाहती है। जब वह रावण दिग्विजय के लिए निकला तीन खंड की, तो वहां जब पहुंचा तो नलकूबर राजा के राज पर कोट लगा है, मायामयी मंत्र विद्याएं कोट लगा है। उधर उपरम्भा को पता पड़ा कि रावण आ गया, बाहर डेरे डाली हुए, वहां है रावण दशानन, मूल नाम तो आत्मा है सबका। दशानन क्यों नाम पड़ गया भैया मालूम है, हार था ना उसमें नौ और दिख रही थी, दस आनन। रावण क्यों पड़ गया नाम, वो बलि महाराज ने जब जरा सा अंगूठा दबाया तो दबने करके रोने लगा, रुदन करने लगा, फिर रावण पड़ गया। ये सब नाम वैसे ही पड़ जाते हैं। हमारा मतलब उपरम्भा ने सोचा क्या करें, तो अपनी दूती को भेज दिया रावण के पास। वह दूती रात्रि का समय था, रावण के उसमें शिविर में खेमे में आई, हमें दशानंद से अकेले में मिलना है, चलो भाई बोलो क्या कहना चाहती। विभीषण साइड में, रावण उस खेमे में अकेला, बोलो क्या कह। नलकुबर महाराज की रानी उपरम्भा आपके बिना व्याकुल हो रही है, आपके बिना उसका जीवन है, आप दुर्लभ है, आप तो दयालु हैं, वो जैसी बातें होती होगी। लेकिन और रावण ने कान में ऐसी उंगली लगाई, हा हा ऐसी पाप की वार्ता मोह से नाही कहो। बताओ कितना शीलवान, हा हा ऐसी पाप की वार्ता मोह से नाही कहो। और वह रावण, फिर विभीषण ने इशारा किया कि देखो ये राजनीति का प्रसंग है, अभी युक्ति से पहले बुलाओ, गढ़ टूटने की युक्ति मिल जाए कुछ। तो उसने कहा ठीक है भाई, जब वो बहुत दुखी है परेशान है तो बुला लाओ। फिर वो जब आई तो उसने किसी युक्ति से कह देगा, यहाँ जंगल में क्या शोभा है, महलों में जाकर के कोई युक्ति उसने मंत्र दिया, घर तोड़ा, नलकूबर को पकड़ा, विजय हो गई रावण की। अब उपरम्भा से क्या कहता, देखो तुम भले घर की रानी और हमें मंत्र देने से, विद्या देने से हमारी गुरुवाणी माता के समान, पुरुष पुरुष में कोई विशेषता नहीं है, तुम्हारे लिए नलकूबर राजा को स्वतंत्र करते हैं, जाओ आनंद से रहो। मतलब शील को नहीं छोड़ा। और वह रावण सीता के प्रति ऐसे विमोहित हो गया, पूर्व का आप क्या समझते हो, ये नालायक ने ऐसा किया, ये ऐसा किया। अरे भैया कर्म के उदय भी बड़े विचित्र होते हैं, जीव नाना कर्म नाना लब्ध नाना विद कही। अपने शोक को कैसे मिटाओगे, अपने दुख को कैसे मिटाओगे, अपने विचार करो क्षोभ को कैसे मिटाओगे, ज्ञान से समाधान करो। इस द्रव्य का यही परिणाम था, स्वच्छंद होने की बात नहीं, ध्यान रखना। भरतादि के उदाहरण से यदि तू स्वच्छंद होगा तो तेरा बुरा होगा। वर्तमान युग के दृष्टांत ये स्वच्छंद होने के लिए नहीं है। हम क्या करें, पहले संस्कार नहीं दो फिर माथे पर हाथ धर के रो, और उसका परिणाम ऐसा ही था। या हमने कहा बच्चे को पाठशाला भेजो तो तुमने माथे पंडित जी, अब वो पढ़ने के समय है, होमवर्क बहुत रहता है, वो रहता है, तब पंडित जी को समझाया था और अब उसने कुछ किया तो पंडित जी बताओ क्या करें। ये छल्म ग्रहण मत करना, जिनागम का कोई भी उपदेश स्वच्छंदता के लिए नहीं है।
लेकिन समाधान के लिए तो है ना, बुद्धिपूर्वक प्रयत्न करना नहीं, कुसंग में जाना नहीं, लेकिन अबुद्धिपूर्वक अगर जबरन कुसंग आ जाए तो सावधान रहने के अलावा क्या उपाय बोलो। आपसे कहें किसी शराबी के बगल में बैठो, बैठोगे? नहीं बैठोगे। लेकिन ट्रेन की यात्रा करना मजबूरी हो उसी दिन उसी ट्रेन से, और बगल में शराबी का अगर रिजर्वेशन हो, क्या करोगे आप? तो अभी कोशिश तो करोगे, उसे कहोगे टीडी से, भैया हमारा कहीं बदल दे सीट भाई जी। देखो साहब, जन साहब, अब हम क्या कहें, हम भी समझ रहे हैं आपको तकलीफ है, अगले स्टेशन तक हम करते कोशिश, तब तक दो। तो बैठोगे तो कैसे बैठोगे? कुछ पढ़ने में बोलो, जानबूझ करके तो बैठोगे नहीं, और अगर बैठना पड़े तो कैसे बैठोगे? मुंह फेर के बैठोगे तो उपयोग फेर के बैठो। अनुमोदना भी मत करो खोटे कार्य की, और किसी को अपना मत समझो। समाधान ये है और कुछ नहीं। पर्णमन का विचार करके समता रखो, उदय का विचार करके समता रखो। सारा उपदेश समता के लिए है और किसी के लिए नहीं। बुद्धिपूर्वक जो प्रयत्न हो सकता है वो करो। हम ये कह रहे पुराणों में पढ़ो, चार तत्व का क्या हुआ? चार तत्व कैसा, मतलब विवाह के लिए तैयार ही नहीं, मन पढ़ने में ही लगा रहता, विद्या व्यसनी, पढ़ने में ही लगा। माँ कह रही बेटा तेरी पढ़ाई कब पूरी हो रही का नहीं, अब विवाह शादी होने के नहीं होने, आज तो हम तो इसे हाना कराएंगे, बता दे कैसे। बोले ठीक है, आप जिस जो इच्छा हो तो करो। विवाह हो गया, अब वो स्त्री अब भी अपने पढ़वे में लगी, पढ़ने में लगी। अब अध्यात्म की बातें, माँ का मोह अनर्थ कराता है भाई। चाचा सिखा रुद्र दत्त कि इसको कुछ करो भाई, तो क्या उल्टा काम किया, उस वैश्या के यहां फंस गया। अब वो वहां से निकलने को तैयार नहीं, केवल आसक्ति ही नहीं है वहां, शर्म है बहुत, कैसे मुंह दिखाएं, कैसे निकलें। क्यों? अगर आसक्ति ही होती तो बसंत तिलका को शील की व्रत कैसे हो पाता? अकेली आसक्ति ही नहीं है, लेकिन शर्म बहुत लग रही है। अब उपाय करो, बुलाओ, कैसे बुलाएंगे? मुनीम गया, पिताजी बीमार हैं, अब रो रहा है, दुखी हो रहा है, और तुम्हें सेवा कर देना, तुम भी घर के आदमी हो, अच्छी परिचर्या करना, अच्छी सेवा करना, अच्छा इलाज करना। निकलता नहीं। अब अंतिम उपाय क्या किया? मुनीम रोता हुआ पहुंचा, बेटा लुट गए, बर्बाद हो गए, ये हो गया, क्या? पिताजी चले, सेठ जी चले गए, अब चलो संस्कार तो करो कम से कम। रोने लगा, हाय ऐसा कपूत हूं, सेवा नहीं कर पाया, ये नहीं कर पाया, चलो अब तुम घर के आदमी, तुम ही कर दी। सोचो, समझ में आया कि नहीं आया? अब लौट करके वो नहीं माया, सेठ जी ने, क्यों? बोले वो रो रहा था, दुखी हो रहा था, सब कर रहा था, लेकिन रो आया नहीं। सेठ जी ने अपना निर्णय कर लिया, ठीक है अब हम भिक्षा ग्रहण करते हैं। वो तो न आने के लिए स्वतंत्र है, तो हम भी भिक्षा लेने के लिए स्वतंत्र। माने का रुको, चार दत्त की माने का रुको, कब तक रुकें? मरे की खबर सुन करके नहीं आ रहा, कब तक रुकें? मृत्यु मेरी प्रतीक्षा कर रही है, मैं पुत्र की प्रतीक्षा करता रहा हूं, कब तक रुकूं? चलेगा। हमारा मतलब यह है कि मोह त्याग करके सुखी हूं। और चार दत्त किस प्रकार से वहां अटका रहा? इतनी लज्जा भी ठीक नहीं है, इतनी गिलानी भी ठीक नहीं है, जो डोबो देव है। प्राग भाव का विचार करो और निकल करके आ गया।
कितना ही बड़ा दोष हो गया लेकिन वह दोष आत्मा में भीतर प्रवेश नहीं, उस समय भी निर्दोष है। आप उस दोष का अभाव करके स्वतंत्र हो निकलने के लिए, प्रायश्चित काय के लिए। दोष करके प्रायश्चित नहीं लेने की बात है, दोष हो जाए तो प्रायश्चित लेने की बात। और अब हम इसी प्रसंग में और बता रहे, नहीं निकला ना, निकलना तो पड़ेगा। किस अवस्था में निकला? अच्छी तरह निकलो, खड़े खड़े नहीं निकलोगे तो पड़े पड़े निकलोगे। निकल आओ भैया, इस मोह के दंदल से निकलो भाई। हमारे परिणाम शुद्ध हैं, कहना सरल है शुद्ध हैं। शुद्ध होते तो ऐसी बातें ही नहीं होती। जिसके परिणाम शुद्ध हैं उसके निमित्त नियमित रूप से बाह्य उतना त्याग रहता है। सम्यक तो होने पर अनंतानुबंधी चली गई, तो अनंतानुबंधी चली गई तो अनंतानुबंधी संबंधी मिथ्या तो अन्याय अनिति रूप प्रवृत्ति भी मिटती है कि नहीं। अप्रत्याशान जब कथा चली गई तो विचार करो, पांच पाप स्थूल रूप से मिटते हैं कि नहीं मिटते। तीन चौकड़ी चली गई और अब हमारी चौकड़ी चली गई है, हम तो शुद्ध हैं और वो अब ये हैं कपड़े तो बनेगा, तो संभाल कौन रहा है इनको, पहन कौन रहा है, उतार कौन रहा है? विचार करो, परिणाम तुम्हारे शुद्ध कहने से नहीं हो जाएंगे। शुद्ध परिणाम तो आत्मगत होते हैं, अनन्यगत होते हैं, स्वसन्मुख होते हैं। टोटमल जी ने बहुत सुंदर चर्चा की आगे, क्या प्रतिज्ञा किए बिना, प्रतिज्ञा का बंधन हुए बिना, अरे ब्रेक लगाने लगाने पर भी गाड़ी न रुके वो अलग बात है, तुम बिना ब्रेक लगाए गाड़ी रोकना चाह रहे। 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर पर गाड़ी दौड़ा हो, ब्रेक लगाए बिना ही रोकना चाहो, कैसे रुकेगी सोचो। गाड़ी ब्रेक सहित चाहिए और जीवन बिना ब्रेक का चाहिए, सोचो सोचो। प्रतिज्ञा का बंधन हुए बिना परिणाम नहीं रुकते। आगे बोलो, निरंतर आशा बनी रहती है। नंबर 3, प्रसंग पढ़ने पर तद्रूप परिणाम हो जाते हैं। प्रतिज्ञा करने में बाधक कौन होता है ये बताओ। हमारा यही तो, अब पता नहीं कब कैसा हो गया और वो कहीं मिल गए कहीं हो गए तो क्या होगा, आशा बनी रहती है। प्रतिज्ञा किए बिना परिणाम रुकते नहीं है, तद्रूप बने रहते हैं और प्रसंग पढ़ने पर वो आशा बनी रहती है और प्रसंग पढ़ने पर तद्रूप परिणाम हो जाते हैं, इसलिए प्रतिज्ञा अवश्य करना। फिर आगे प्रश्न किया टोटरमल जी ने, बोलो क्या किया? देखो भाई, बाह्य त्याग भी करें और परिणामों को भी संभालें, लेकिन प्रतिज्ञा में बंधन होता है, प्रतिज्ञा नहीं करो। न जाने कैसा उदय आ जाए और नियम टूट जाए, तो प्रतिज्ञा नियम मत लो, प्रतिज्ञा मत करो। तब टोटमल जी ने कहा, तुम उदय को मानते हो तो ये बताओ, इतना कमाओ और नेक उदय में आए तो सब चला जाएगा कि नहीं चलाएगा, फिर कमाई का कर रहे। और अगर उदय का विचार करें, सम्यक नहीं मिथ्या, उदय का विचार करें तो ये बताओ, अगर रोगी का इलाज भी करें तो आयु पूरी होगी तो मरेगा कि नहीं मरेगा? फिर इलाज कराए बहुत में पैसा जाएगा, बहुत में सब काम बेकार, काय को इलाज कर, क्यों भाई बताओ। और विद्यार्थी अगर पढ़ने बैठे, उन्हें क्या एडमिशन लो, साल भर पढ़ाई करो और उदय आ गया, कोई परीक्षा के समय बीमार पड़ गए तो, परीक्षा नहीं दे पाई तो, फेल हो गए तो बैठे रहो, हम क्या करें? बैठे रहो भाई, हम क्या करें बताओ। हम तुम्हें पहले सब लिख करके दे दें और फिर तुम करो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना।
उदय का विचार करने से तो सारे कहीं कुछ दिखाई नहीं देता जो उदय का कार्य है संसार में, जितना भी है भीतर नहीं है उदय का कार्य। सुनो, जिस सम्यक दर्शन को आप चाहते हो, जिस सम्यक दर्शन धर्म का मूल है, वो औदयिक भाव नहीं है। बोलो, सम्यक दर्शन औदयिक भाव है? तो उदय के भरोसे बैठने वालों को कभी सम्यक दर्शन नहीं हो पाएगा। मैं जाने कैसा उदय? अरे आने दो, उदय उदय में रहेगा। समय सार क्यों पढ़ रहे हो? तू प्रज्ञा छीणी ज्ञान ने उदय नी संधि सबू छीदवा। कैसी बातें करते हो? सम्यक दर्शन औदयिक भाव नहीं है, सम्यक ज्ञान औदयिक भाव नहीं है, सम्यक चारित्र औदयिक भाव नहीं है। जो सुख चाहते हो वो औदयिक भाव नहीं है, कर्म के उदय में नहीं होता। अगर उदय के भरोसे रहोगे तो आपको विचार करो कैसी मुक्ति मार्ग होगा। मुक्ति मार्ग औदयिक भाव क्या? औदयिक भाव कौन से हैं? औदयिक भाव एक तो अघातीय कर्म के उदय वाले, एक घातीय कर्म के उदय वाले। अपने भाव में देखो, औदयिक भाव मिथ्यास कथाएं। अगर उदय का लक्ष्य करते रहोगे तो मिथ्यास और कथाएं होंगी और कुछ नहीं होगी। अगर उदय का लक्ष्य करते रहोगे, उदय में उपयोग जोड़ते रहोगे, क्या करें हमारे पाप का उदय? क्या करें? कर्म शिखर को वज्र मारो उसमें। उदय उदय में है, अपने में नहीं है। और मूल गाथा क्या है? गाथा या कलश है? कर्म अपने फल में जीव को बलात् नहीं जोड़ता। पाप का उदय ये थोड़ी कह रहा है कि तुम पाप करो। क्या करें हमारे पाप का उदय? तुम ही पूछ रहे हो क्या करें हमारे पाप का उदय? क्यों भाई, क्या करें? पानी की कमी हो गई शरीर में, क्या करें बता? पानी पियो और क्या करोगे? क्या करें? वो कैल्शियम की कमी है तो कैल्शियम जिसमें बनता है वो करो। क्या करें? विटामिन डी तो गोलियां खाने छोड़ी काम चलेगा? प्रकृति में बैठो। एक विदेश की चर्चा है, एक बिल्कुल गाड़ी भी ऐसी, ऑफिस भी ऐसी, घर भी ऐसी। अब वो थोड़ा सा तकलीफ होने लगी तो डॉक्टर के पास गए। उसने कहा एक काम करो, धूप में बैठा करो, धूप स्नान करो थोड़ा पास। तो उसको ने किया तो उसको आराम मिला। आराम मिल गया तो उसने सोचा, अरे एक बात बताओ, 20 घंटे हम एसी में, 2 घंटे धूप में बैठे, ये खत्म करो ना, बैठो अपने धूप में आराम से, तो दर्द ही नहीं होगा। समझ में आ गया उसको, सब खत्म कर दिया। तात्पर्य ये है, जब तुम्हारा निदान हो गया पाप का उदय है, पाप का उदय है, अब हमसे क्या पूछ रहे? पाप करो, क्या करें? अरे पाप मत करो, मतलब आर ध्यान मत करो, अन्याय नीति तो करो ही मत, ही कलुषता मत करो, परिणामों में संकलेशता मत लाओ। पाप का उदय है ना, तो पाप मत करो। नहीं, पाप का ही उदय और पाप ही और करेंगे तो पाप करते हुए पाप का उदय कैसे चलेगा ये बताओ। हमारे परिणाम तो शुद्ध है, बाह्य त्याग नहीं किया तो नहीं किया, ऐसा नहीं। क्या सुंदर लिखा अमृतचंद स्वामी ने, लोक में कारमाण वर्गाएं ठसा ठस बनी हैं, भरी हैं कि नहीं? अगर कर्म के बंद का कारण कारमाण वर्गना होती तो फिर सिद्ध भगवान को भी बंद होना चाहिए। हैं? लोक में भरी है ना। अगर योग से बंद होता होता तो अनंत भगवान को भी होना चाहिए। अब नीचे क्या रहेगा सोच लो, सोचो। अगर चेतन अचेतन के घात से बंद होता तो विचार करो, जिसका चेतन अचेतन का घात, अचेतन का घात समझिए ये टूटना फूटना, अचेतन का घात माने मरण आदि, अगर इनसे बंद होता होता तो ऐसा कौन सा स्थान है, ऐसा घर कौन सा है जहां मरण नहीं होते?
किसी को घातक तो नहीं कहते, विचार करो। तो फिर कैसे बंद है? काऊ सोना बंदे जी बंदे एक रागाधिक अशुद्ध उपयोग से, ठीक है ना। अब न कर्मण वर्णम बंद का मुख्य कारण है, न योग बंद का मुख्य कारण है, न चेतन अचेतन का घात बंद मुख्य कारण है। मुख्य कारण है तुम्हारे अशुद्ध परिणाम। प्रवचन सारी में उसी को भाव बंद कहा, भाव बंद, द्रव्य बंद, उभय बंद है ना। कर्म कर्म से बंधे ये द्रव्य बंद, और जीव रागाधिक भाव से बंधा ये भाव बंद, और कर्म भाव का उस विकारी भाव का निमित्त पा करके कर्म आकर के बंध गए, उभय बंद। ये सिद्धांत सब जगह है। रस्सी की गांठ रस्सी में लगती है, गाय तो अपने आप घुसती है उसमें, बीच में अलग है उस समय भी है कि नहीं, बोलो। ताला लगाते हो, चाबी से क्या संबंध? ताले की जड़ ताले में है कि कहीं और है, बोलो आप। ताले लगाए तो ताले की जड़ ताले में ही तो लगी, कुंडे में, ताला कुंडा में घुस गया क्या? अरे वो बीच में आ गया कुंडा, बादमा की ताले की जड़ कायम है, रस्सी की गांठ कायम है। तो ऐसे ही विचार करो, कैसे बंधे हैं आप? महाराज ये तो दो, इस बंध तो दो में होता है, तो इसका मतलब रागाधिक भाव और जीव दो हो गए। यहां यही तो हम कह रहे हैं, यही तो हम कह रहे हैं, एक में बंध नहीं है। अहम एक को मैं एक देखने वाले को बंद होता नहीं। क्या कहा? एक में बंद है नहीं और एक देखने वाले को बंद होता नहीं। इसीलिए इतना ही मोक्ष मार्ग, एक देखिए जानिए, रम रहिए एक ठोर, समल विमल न विचारिए, यही सिद्ध नहीं। और विचार करो, निमित्त निमित्त संबंध है कि नहीं है? उस निमित्त निमित्त संबंध की अपेक्षा से कथन किए गए। तो अमृतचंद स्वामी क्या कह रहे हैं? कर्मण वर्गना बंध का कारण नहीं, मुख्य कारण है। कारण नहीं माने मुख्य कारण है, योग मुख्य कारण नहीं, और चेतन चेतन का घात मुख्य कारण नहीं। मुख्य कारण जीव का अशुद्ध उपयोग है, उसमें मिथ्या प्रवृत्ति प्रमाद कथा सब आ गए, अशुद्ध उपयोग, ठीक है ना। आगे क्या लिखा बोलो? अमृतचंद स्वामी ने इस कलश के बाद क्या लिखा है? समझ में? तो भी निरर्गल प्रवर्तन करना योग्य नहीं है। निरर्गल माने अर्गला रहित, अर्गल अर्गल निरर्गल अर्गला रहित। अर्गला अब नहीं जानते होंगे ये बच्चे लोग, अर्गला पहले वो बेड़ा डाल देते थे ना सांकर, अर्गला उसको अर्गला बोलते थे। तो निरर्गल प्रवर्तन करना योग्य नहीं है, पर द्रव्य से बिल्कुल भी बंध नहीं है। तो भी उपदेश क्या दिया? ज्ञानम सन बस ज्ञाता होकर के रह, और नहीं तो स्वस्थ्या पर आधार बंधम ध्रुवम बंध। अपने ही तेरे अपराध से, प्रज्ञापराध से तेरे बंध अपने आप होगा, दुख होगा। माने दुख का कारण, बंध का कारण तेरा अपराध है। वो अपराध क्या है? पर को माने आत्मा करे कर्म का वन, जाके घट समता नहीं, ममता मगन सजीव, रमता राम न जानही, सो अपराधी जीव अपराधी मिथ्या मती, निर्दय हृदय अंध, पर को माने आत्मा करे कर्म का बंध। ज्ञाता होकर के रह, आप कहोगे हम तो ज्ञाता स्वरूप है, तो ज्ञाता रहो ना। अब तुम कर्तृत्व के विकल्प करोगे, बंध नहीं होगा, हम ज्ञाता स्वरूप है, हम ज्ञाता स्वरूप है कहने से काम चलेगा? विचारना टोडरमल जी ने क्या कहा, इसलिए उदय का लक्ष्य करके प्रतिज्ञा नहीं छोड़ने की बात है। उदय का विचार करते हैं तो विचार करो, लौकिक कार्यों में भी तो उदय होते हैं, वहां उद्यम क्यों करते हो, यहां क्यों नहीं करते?
वहां तुम्हारी रुचि है इसलिए बहाने नहीं बनाते, और यहां रुचि नहीं है इसलिए छल ग्रहण कर देते। ऐसे तो तुम्हारे परिणाम अशुद्ध ही रहेंगे। और उन अशुद्ध परिणामों के कारण कार्य बिना हुए किए हुए भी, कार्य बिना किए हुए भी अविरति का बंधन निरंतर चालू रहेगा। इसलिए प्रतिज्ञा अवश्य करना, इसलिए प्रतिज्ञा अवश्य करना। शुद्ध परिणाम अशुद्ध उपयोग, इनका अंतर समझना चाहिए। शुद्ध उपयोग जो है वह स्वाभाविक परिणाम है, स्वभाव परिणाम, पर निमित्त के संबंध बिना। स्वभाव परिणाम किसे कहेंगे? पर निमित्त के संबंध बिना। अगर संबंध जोड़ोगे तो कौन सा परिणाम आएगा? विभाव परिणाम किसे कहते हैं? पर निमित्त के संबंध सहित। अब अगर वहां परिणाम जोड़ोगे तो तुम्हारे परिणाम शुद्ध कैसे होंगे? हमारे परिणाम तो शुद्ध हैं। कैसे शुद्ध हैं ये बताओ, हमें समझाओ। शुद्ध किसे कहते हैं? तुमने जाना भी है शुद्ध परिणाम है क्या? आचार्य ने शुद्धोपयोग का स्वरूप भी कहा, शुद्धोपयोग का सुख भी कहा, और शुद्धोपयोग किसको होता है सो भी कहा। सुविदित पदस्थ सुत्तम, बताओ अशुद्धोपयोग के अभाव के लिए अशुद्ध उपयोग के जो निमित्त हैं उन्हें भी, उनसे भी बचो भाई। और कर्मोदय में जबरन आ जाते हैं तो समता रखो, वेद ज्ञान करो, अपने पुरुषार्थ से जीतो। जैसे प्रथम तो शील का पालन करो, पर स्त्री के त्याग का नियम करो, और फिर भी सुदर्शन सेठ के तरह सामने आ भी जाए तो अभ्यर्थन रहो। अब पहले से ही त्याग व्याग कुछ नहीं है, वो ठीक है जो कुछ है, और तुम उसमें रस भी लेने लगोगे तो फिर क्या होगा? सील का पालन होगा कि सील का घात होगा? खेत में अगर बाढ़ नहीं बनाएंगे पानी रुकेगा कैसे? जीवन में भी अगर नव बाढ़ का पालन नहीं करेंगे परिणाम कब बिगड़ जाए, कब कैसे हो जाए, तो अध्रुव है कि ध्रुव है परिणाम। इसलिए परिणाम शुद्ध हैं तो भी, अरे परिणाम शुद्ध हैं तो वो बहाना बनाएगा कि नहीं? बहाना नहीं बनाएगा। उन सील की रक्षा के लिए नौ बाणों का पालन करना ही चाहिए, ऐसे ही आगे हर प्रसंग में लगा लेना चाहिए। अहिंसा के संबंध में क्या पुरुषार्थ सिद्धि पाएगा? श्लोक याद नहीं रहा भाई है? हाँ, समझ में आ गया क्या? क्या कहा? परद्रव्य के घात से किसी जीव के मरने न मरने से बिल्कुल भी हिंसा नहीं होती तो भी, तो भी हिंसा के निषेध के लिए उन हिंसा यत्नों का त्याग करना ही चाहिए। क्यों भाई? धूल से बंद मैले होते हैं कि तेल से मैले होते हैं? चिकनाई बंद मैलेपन का कारण है ना, तो फिर चिकनाई नहीं लगाओ, धूला में खेलो। अरे चिकनाई नहीं लगाओ ये तो पहला उपाय है, लेकिन चिकनाई न लगाने के बाद भी धूला में मत खेलो, नहीं तो मलिनता आएगी कि नहीं आएगी? ये बात अलग है, चिकनाई में ज्यादा आएगी, चिकनाई बिना कम आएगी, लेकिन आएगी कि नहीं आएगी? अरे मिथ्यात्व के जाने पर मिथ्यात्व संबंधी आश्रय बंद का अभाव होगा, उतनी मलिनता गई। अभिरति के जाने पर अभिरति के आश्रय बंध रुकेंगे, प्रमाद के जाने पर प्रमाद संबंधी आश्रय बंध रुकेंगे, कषाय के जाने पर
कथा संबंधी जो कहेंगे, योग के जाने पर सब रुकेंगे। अब तुम कहो कि मिथ्यास के जाने से ही सब रुक जाए तो फिर सम्यग्दर्शी स्वर्ग में कैसे जाएंगे, इंद्रादिक पद कैसे होंगे, तीर्थंकर कौन होगा? सोचो समझो फिर ये सब व्यवस्था कैसे बनेंगे। हमारा मतलब ये है परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध को भी समझना चाहिए। निमित्त नैमित्तिक संबंध के छल से कर्ता कर्म संबंध भी मत मान बैठना और कर्ता कर्म के निषेध के छल से निमित्त नैमित्तिक का भी निषेध मत करना। पर द्रव्य निमित्त है, दोषी नहीं है, दोषी नहीं है, दोषी आप स्वयं। पर का दोष देखना अनिति है, विचारना काय के लिए लिखा है, निरपेक्ष त्याग के बिना भाव विशुद्धि नहीं होती, बाह्य त्याग के बिना अंतरंग परिणाम निर्मल नहीं होते, ये काय के लिए लिखा, परिणामों की निर्मलता के लिए। बोलो चरणान योग का प्रयोजन टोटरमल जी ने यही लिया, श्री गुरु तो परिणाम सुधारने के लिए क्रिया सुधारने का उपदेश देते हैं। अगर क्रिया सुधारने के बाद माने मंदिर में बैठने के बाद भी, समायक में बैठने के बाद भी अगर तुम संकल्प विकल्प उल्टे करो तो हम क्या करें? इसमें क्रिया का दोष नहीं है, परिणाम सुधारने के लिए। तो कल का बात फिर दोहराओ, बहिरंग क्रिया के सुधरने पर अंतरंग परिणाम सुधरे न सुधरे, लेकिन अंतरंग परिणाम सुधरने पर क्रिया सुधरती है। इसलिए बहिरंग त्याग करने के बाद भी संतुष्ट मत हो जाओ, अटक मत जाओ, धर्मात्मा मत बांध बैठो, ऊपर को मुंह करके मत करो। वृक्ष पर भी फल आते तो नीचे नमते हैं, हम कछु हैं तुम कुछ नहीं, ऊपर मुंह वाले अभिमानी हैं, नीचे मुंह वाले दीन हैं। देखो कौन दीनता और अभिमान मत करो, हम कुछ हैं। अंतरंग के परिणाम की उज्ज्वलता के लिए निरंतर ज्ञानाभ्यास करो। ज्ञानाभ्यास तत्व विचार यह अंतरंग कारण है, प्रबल कारण है, इसके बिना परिणामों की निर्मलता संभव नहीं है। मंदिर आने से काम नहीं चलेगा, हम मंदिर तो रोज जाते, यहाँ आकर के सीखो और ज्ञानाभ्यास करो। पूजा हम करते हैं रोज, नहीं भाई, ज्ञानाभ्यास पहले करो, उसके बिना अधूरा काम है आपका। विचार करो जिनके प्रति बहुमान है, जिनका गुणगान कर रहे हैं, उनके वचनों का अगर हम श्रद्धा नहीं करेंगे, आदर नहीं करेंगे, विचार नहीं करेंगे तो क्या होगा? अरे सुनने के बाद भी कौन समझ पाता है? गुरुओं के कहे हुए अर्थ को अंतरंग में बारंबार विचारता है, बारंबार विचार करो। सार्थकता होना चाहिए। जो स्वाध्याय नहीं करते उनसे कहो भाई स्वाध्याय किया करो, मंदिर नहीं आते उनसे कहो मंदिर, अब हम आपसे कहें मंदिर आया करो स्वाध्याय करो, करते रहे। हम ये कहेंगे स्वाध्याय को सार्थक करो, मंदिर आने को सार्थक करो। विचारना ओ नहीं भारती तो ही जपो दिन रे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख के, या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक।